यहाँ एक डीएम थी भूपेंद्र कौर, वो उस इलाके को जहाँ वो 29 एकड़ की बात करती थी, वो उन्होंने कुछ वहाँ से इंक्रोचमेंट हटाया और ये कहा कि हाँ सब ये पूरा हो गया, लेकिन कुछ फिर उसके बाद वहाँ बाकी लोग फिरा कर फिर वो बस गए वहाँ। अब उसके बाद ये नया सिलसिला शुरू हुआ 2014 से रविशंकर जोशी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो अब जो प्रेजेंट मैटर है। इसमें ये हुआ कि मामला ये था कि यहाँ एक गोला नदी है और गोला नदी के ये गोला नदी पर एक पुल तामीर हुआ और उस पुल वो पुल अचानक तीन चार साल के बाद ही गिर गया। लिहाजा वो रिट रविशंकर जोशी ने ये फाइल की कि साहब ये क्या वजूहात थी कि ये पुल गिरा। एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक कमीशन जारी किया, वकील कमिश्नर आए यहाँ, वकील कमिश्नर ने ये रिपोर्ट दे दी कि रेलवे के किनारे जो लोग बसते हैं या जो घोड़ा बुग्गी वाले हैं बहुत ज़्यादा, बहुत गरीब लोग हैं, वो जो बसते हैं उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा खुदान कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ ये इसके पिलर गिर गए और ये पुल गिर गया। लिहाजा फिर रेलवे को तलब कर लिया गया। अब रेलवे ने अपनी ज़मीन, अब उसके बाद उन्होंने बता दिया कि 59 एकड़ ज़मीन है हमारे पास, हमारी। लिहाजा ये हुआ कि उसके बाद ये मसला चला, लिहाजा एक ऑर्डर एंट्रीम ऑर्डर पास हुआ, एंट्रीम ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए कि ये मामला पीपी एक्ट का मामला है, पब्लिक प्रेमाइसेस फ्रॉम अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट एक्ट। लिहाजा हर एक आदमी को पर्सन टू पर्सन जो इनकोचर जिनको आप कहते हो एलेज्ड इनकोचर को आप जो है पीपी एक्ट के तहत नोटिस देंगे। अब पर्सन टू पर्सन नोटिस जो दिए गए हैं वो अजीबोगरीब नोटिस हैं। नोटिस उन लोगों के बहुत से, मतलब एक बड़ी तादाद ऐसी है कि नोटिस जो लोग वहाँ ऑक्यूपायर हैं उनको नोटिस ना दे करके नोटिस जो है वो एक उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से दे दिए। पता चला कि वो उस शख्स का तो जो है 10 साल पहले इंतकाल हो चुका है, नोटिस उसके पास अब है, तो उस हिसाब से सब नोटिस जो है वो एक दे दिए गए एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। और वो फॉर्मेलिटी पूरी की, उसके बाद नतीजा ये हुआ कि वो नोटिस देने के बाद पीपी एक्ट में जो स्टेट ऑफिसर जो यहाँ आइजट नगर में है, जो ये वो चीफ इंजीनियर के स्टेटस के होते हैं, उनके यहाँ शुरू हुई। अब सेक्शन 4 का जहाँ तक सवाल है, सेक्शन 4 में सबसे पहली चीज़ जो सेक्शन 4 पीपीएफ का नोटिस होगा उसमें ये है कि ये स्टेट ऑफिसर ये एसरटेन करेगा कि वो ज़मीन स्टेट की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है, और उसके बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो सेटिस्फाई होने के बाद तब वो नोटिस देगा। तो ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये स्टेट की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है। उनके पास नोटिस ही जो है बुनियादी तौर पर वो इलीगल नोटिस है। उस नोटिस में कहीं ये एसर्टेन, बस उन्होंने कह दिया मैं इस ओपिनियन का हूँ कि ये ज़मीन रेलवे की है, लेकिन किस तरह से, क्या सोर्सेज हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, किस तरह से उसको एसर्टेन किया गया, ऐसा कहीं उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लिहाजा कार्रवाई शुरू हुई, वहाँ कार्रवाई में लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किए, मेरे ख्याल में 2500 तकरीबन ऑब्जेक्शन तो मैंने अकेले फाइल किए, 4500 में से। उसके बाद लिहाजा कोरोना पीरियड शुरू हो गया और कोरोना पीरियड शुरू होने के बाद उन्होंने एक जनरल नोटिस जारी कर दिया कि चूँकि कोरोना पीरियड होने की वजह से कोरोना पीरियड में इसकी हेयरिंग नहीं हो सकती। और उसके बाद फिर उन्होंने कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं किया कि जो ये कहें कि अब रिहेयरिंग शुरू हो गई है, अब पीरियड ख़त्म हो चुका है, अब हेयरिंग होगी। लिहाजा सारे के सारे केसेस जो है वो एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया गया। अब एक्स पार्टी ऑर्डर करने के बाद अब नतीजा ये है कि ये एक तरफ ये था, एक तरफ वो जो PIL चल रही है रविशंकर जोशी की, तो अब रविशंकर जोशी की PIL चलने के बाद हमने यहाँ तकरीबन 1700 अपील फाइल की सेक्शन 9 PPF के तहत।
जिनमें से तकरीबन अभी 1100 के लगभग जो है वो पेंडिंग है। अब नतीजा ये हुआ कि उसको ओवरराइड करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास, अब ये जजमेंट पास कर दिया जो तकरीबन 170 या 160 पेज का ऑर्डर है। सवाल ये होता है कि आर्टिकल 226 में वो चीज़ें जो आर्टिकल 226 जो है उसकी बड़ी लिमिटेड स्कोप है, वो ट्रायल की तरह नहीं देखा जाएगा उसको। तो बिल्कुल ट्रायल की तरह इस केस को तय कर दिया गया, जबकि ऑलरेडी अभी वो मामले पेंडिंग हैं। जब पीपी एक्ट के तहत उन मामलों को देखा जाना है, वहाँ देखा जाना है कि किसकी मिल्कियत है, किसकी मिल्कियत नहीं है, कौन अथोराइज ऑक्युपेंट है, कौन अथोराइज ऑक्युपेंट नहीं है। सबसे बुनियादी एक सवाल और है, यहाँ एक लाइन नंबर 17 कहलाती है। लाइन नंबर 17 में ऐसे लोग हैं जिनकी जो एवेक्यू प्रॉपर्टी, जिसे शत्रु संपत्ति कहते हैं, वो 1947 में यहाँ लोगों ने ऑक्शन सेल सर्टिफिकेट के ज़रिए ख़रीदी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्शन सेल सर्टिफिकेट जारी किया, उन्होंने उसको ख़रीदा। उसके बाद जो है हमारी लोकल अथॉरिटी ने उनके पट्टे जारी किए, उनके पट्टे भी जारी हुए हैं, उनको पट्टे भी मिले हैं। उसके बाद अब उसके बाद नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों ने जब ये नजूल लैंड की पॉलिसी जो है आई, उसके बाद ये कहा गया कि नजूल लैंड अब जो है पट्टों पर नहीं दी जाएगी, तो फिर उन्होंने उनको फ्री होल्ड कराया, और फ्री होल्ड करा करके स्टेट ने उनके हक़ में बैनामे भी किए हैं, उनसे पैसा भी लिया है पूरा, और उसके बैनामे भी किए हैं। 2016 में स्टेट गवर्नमेंट ने खुद जो है उस PIL में अपना एक हलफनामा दिया है, और उसमें ये कहा है कि अभी ये कंट्रोवर्सी है कि ये ज़मीन आया के स्टेट की है या रेलवे की है, अभी ये तय नहीं हो पाया, डिमार्केशन नहीं हुआ है। लेकिन अब हालात बदल करके अब जो है स्टेट गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि साहब हमारी ज़मीन नहीं है। 2016 के बाकायदा रिकॉर्ड पर जो वो मौजूद है जो एफिडेविट के जो जिसमें क्लेम करती है स्टेट गवर्नमेंट अपनी। तो अब इन हालात में अब चूँकि यहाँ लोगों के पास जेन्यून जो है सेल डीड हैं, पट्टे हैं, फ्री होल्ड भी हुए हैं, अब दूसरी चीज़ यह है कि बाकी जो लोग जो ऑक्यूपायर हैं, ऑक्यूपायर जितने भी हैं उनमें से अक्सर से हाउस टैक्स देती है लोकल अथॉरिटी। स्कैवेंजिंग टैक्स तो ठीक है कि स्कैवेंजिंग टैक्स ले सकते हैं, सफाई कर रहे हैं वहाँ, लेकिन जब हाउस टैक्स ले रहे हैं तो हम जो है लीगल ऑक्यूपायर हैं, अनऑथराइज ऑक्यूपेंट नहीं है उसमें। तो जब ऑक्यूपायर हैं तो जब हमसे लोकल अथॉरिटी लेती है तो लोकल अथॉरिटी बाकायदा लिया, वहाँ करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट हुए हैं डेवलपमेंट के लिए स्टेट की तरफ से, वहाँ बिजली, पानी, सड़कें, सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं, वहाँ लोगों के पास बाकायदा आधार कार्ड हैं, लोग वहाँ जो वोटर्स हैं वो जो 20-25-30 साल से जो वोट डालते चले आ रहे हैं, 70-80 साल से वहाँ लोग जो बसे हुए हैं, तो उन लोगों को इस तरह से एकदम से उजाड़ दिया जाएगा। ये तो एकदम जो कॉलेज इलीगल है। अब वहाँ यहाँ तकरीबन दो तो गवर्नमेंट GGIC है, GIC है, दो कॉलेज हैं, तीन स्कूल हैं जो प्राइमरी स्कूल हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। और अभी एक रिसेंट पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर इसी तरह के केसेस पे, एक कॉलोनी पूरी बसी, पट्टे एक्सपायर हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट के, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे क्लेम कर सकती है उसमें। दूसरी चीज़ ये है वो जो ये नक्शा दिखाते हैं वो इनका एक रेलवे प्लान है, वो जो बाकायदा ऑथेंटिक नक्शा है, कोई जो रेवेन्यू का ऑथेंटिक नक्शा इनके पास मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, सवाल ये है कि जब सेक्शन 5 की कार्रवाई करेंगे, ये पीपी एक्ट में जब कार्रवाई करेंगे तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि साहब पर्सन टू पर्सन कार्रवाई करेंगे, तो ये एसर्टेन करेंगे कि वो जो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट है वो किस जगह पर है, क्योंकि इविक्शन आपको पर्सन टू पर्सन करना है,
आपको एज ए होल ये नहीं है कि आप जो है बुलडोजर चढ़ा करके उसको जो है सबको मिसमार कर देंगे। हाँ, आपको बाउंड्री दो चीज़ें हैं, स्पेसिफिक नंबर एंड स्पेसिफिक बाउंड्री। तो आप या तो स्पेसिफिक बाउंड्री बताइए उस आदमी की कि ये इस आदमी की 137 वर्ग फीट, 150 वर्ग फीट कहाँ है, वो 150 वर्ग फीट उसके नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट क्या क्या चीज़ कहाँ उसकी वो कहाँ है। तो आपको जो 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 कहता है जो पीपीएफ ये कहता है, तो आप ऐसे ही बुलडोजर आप तो जो है एक डिमार्केशन कर रहे हैं और डिमार्केशन के अंदर सबको लेकर के उससे बुलडोजर चला देंगे, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकेगा। ये जो पीपीएफ